कितनी भी टैनिंग हो रखी है, कितनी भी आपकी रंगत खराब हो चुकी है, इसको रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को फेयर करेगी। फेस वॉश मैंने कर लिया एंड रिजल्ट बहुत कमाल के आएंगे जब आप खुद से यूज करोगे, क्योंकि मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही शेयर करूंगी कि पुराने जमाने के लोग किस तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने स्किन की केयर करते थे, जो उनकी स्किन इतनी अच्छी होती थी, बाल अच्छे होते थे, किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होती थी उन्हें, क्योंकि शैम्पू, कंडीशनर, ये फेस वॉश, साबुन, इस तरह की चीज़ें तो उस जमाने में होती ही नहीं थी। तो नेचुरल जो चीज़ें हमारे आसपास जो होती हैं, उन्हीं की हेल्प से वो अपनी स्किन की, बालों की केयर करते थे, और नतीजा ये होता था कि उन्हें किसी भी तरह कि ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं थी, जैसे कि आज के टाइम में हमें होती है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, कोई भी स्किन जो है टाइम से पहले ही बूढ़ी हो रही है, पिंपल्स, टैनिंग, पता नहीं कितनी कर समस्याएं हमें फेस करनी पड़ती है। बालों का झड़ना तो ऐसा है कि भाई जब भी बाल बाल नहा करके आते हैं ना, कंघी करने लगते हैं, तो चारों तरफ बाल ही बाल दिखाई देते हैं। तो क्या करते थे, मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा। एक्चुअली मुझे जब भी मैं उनको देखती थी ना, तो मतलब जैसे बचपन से लेकर के बड़े होने तक वो मुझे एक जैसे ही नज़र आते थे, और उनकी स्किन इतनी अच्छी थी, बहुत ही गोरे चिट्टे थे, मतलब मेरे दादी जैसे अंग्रेजों की स्किन होती थी ना, बहुत ही एकदम ब्राइट जैसी और वाइट जैसी, तो वैसी वाली उनकी स्किन थी। जबकि वो मुझे बताते थे कि हमारे टाइम में बहुत स्ट्रगल था, जैसे वो लोग दिहाड़ी वगैरह लगाते थे, कड़ी धूप में काम करते थे, फिर भी उनकी स्किन पे मैंने कभी नहीं, और ऐसा नहीं, मैंने खुद भी देखा है, वो मतलब अपनी 75+ एज थी उनकी, 80+ जब एज थी तब उनकी डेथ हुई, तो तब तक वो भैंस पालते थे, उसका काम करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हुई। झाइयाँ तो जैसे मैंने कभी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था कि झाइयाँ नाम की कोई चीज़ भी होती है। इवन मेरी मम्मी की स्किन पे भी किसी भी तरह की झाइयाँ, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है। तो मतलब मेरी दादी ने जो नुस्खे वो यूज़ करते थे, वो आगे पास ऑन होती रहती है ना चीज़ें, तो वही चीज़ फिर आज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें होती थी, जैसे मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे तो नेचुरल चीज़ें, जड़ी बूटियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, बस नॉलेज होना चाहिए इंसान को कि ये चीज़ यूज़ करने से हमें ये बेनिफिट मिलता है। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने मम्मी के साथ भी आपके मम्मी से शेयर के साथ शेयर किया था कि उनके बाल बहुत ज़्यादा काले हैं, कि इस एज में भी आपके बाल कैसे इतने ज़्यादा काले हैं, तो उन्होंने हमें बताया था एक जो बेल होती है उसके फूल लगते हैं, फिर उसमें दाने दाने लगते हैं, तो उसी से वो शैम्पू कर लेते थे। आज की डेट में तो चलो अभी शैम्पू ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन पहले वो ऐसा करते थे। तो उसका नाम था मॉर्निंग ग्लोरी करके, मैं यहाँ पर लगा दूँगी स्क्रीन पर, और उस टाइम पर अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, और फिर उसकी हेल्प से वो बालों को धोते थे। वैसे ही मैंने अपनी दादी से पूछा था कि उनका सीक्रेट क्या, तो वो हमारे यहाँ पे ना जैसे पहाड़ों में ही ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना हमारे पास, तो इस तरह से पाउडर फॉर्म में मैं यूज़ करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्या करते थे लोग, वहीं से निकालते थे, हम लोग लोकल में उसको गाजन बोलते थे, और जब शुरू में स्कूल में लगते थे ना, तो वो पट्टियाँ जैसी होती थी उस पर लिखते थे, तो उसी की हेल्प से लिखते थे, लिखा और फिर मिटा दिया, फिर नेक्स्ट फिर से, तो उस तरह से कुछ एक लोगों को तो जैसे मतलब अटपटी सी लगेंगी चीज़ें, लेकिन जो विलेज एरिया से हो या फिर इस तरह की लाइफ जिन्होंने देख रखी हो, तो उनको अच्छे से पता होगा, तो ये चीज़ मतलब मुल्तानी मिट्टी से ही वो चीज़ करते थे, पढ़ाई भी होती थी और उसी को लेकर के आते थे, पानी में डिप करना उसको, जैसे ऐसे बाउल है, पानी भरा उसमें डिप किया और उसी को अपने फेस पे इस तरह से रगड़ दिया, फेस पे क्या मतलब नहाते भी उसी से थे, तो रगड़ दिया और फिर ऐसे ऐसे मतलब अच्छी तरह से मसाज किया और जी वॉश कर लिया, बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं है, ऐसा कुछ कुछ नहीं करना है, और उनको किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मैं आज आपको वही सीक्रेट यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो फिर अगर आप ये सब चीज़ें मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम वो चीज़ लाएं और इस तरह से नहाएं, मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा लोगों को जब तक हम साबुन जैसी चीज़ अपनी बॉडी पर नहीं लगा लेते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, बॉडी हमारी अच्छी तरह से साफ हुई ही नहीं है, तो चाहे बात फेस की हो चाहे पूरी बॉडी की हो, तो इसी तरह से हमें फील होता है। वैसे ही जब तक हम अपने फेस पे फेस वॉश नहीं लगाते, तब तक हमें फील ही नहीं होता कि हमने कुछ भी अपने मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन चिपचिपी है, ऑयली है, या इस तरह से हम पहले इमेजिन कर लेंगे, होता नहीं है ऐसा एक्चुअल में। तो
तो फिर जी अगर मैं अपनी स्किन केयर की बात बताऊँ तो मैं उसी टाइम की मतलब दादी और वो सब चीज़ों को अभी भी फॉलो करती हूँ। जैसा कि आपको मैंने बहुत बार बताया होगा यहाँ वीडियो में भी, ऐसा नहीं कि ऐसी मनगढ़ंत कहानी है वीडियो चलाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार, अगर आप देखते होंगे रेगुलर जिन्होंने देखा होगा, तो मैंने बताया होगा कि मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं। जैसे आपको तो पता ही है कि शैम्पू से लेकर के हर एक चीज़ के ही, शैम्पू तो खैर यूज़ करती हूँ, शैम्पू कंडीशनर ये तो करती हूँ, बट जो फेस वॉश आते हैं मैं यूज़ नहीं करती, धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, जिनके काम के होते हैं मैं उनको वो दे देती हूँ। तो मैं क्यों नहीं यूज़ करती, क्योंकि मैं नेचुरल जो चीज़ें होती है फेस पर आपके साथ जब शेयर कर रही होती हूँ तो उसी को लगाती हूँ, उससे मेरा फेस अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी वो दादी वाली चीज़ है अभी तक कि हाँ भी मुल्तानी मिट्टी को ऐसे ही यूज़ किया और हो गया भी अच्छी तरह से स्किन, क्यों क्या उनकी स्किन साफ़ नहीं होती होगी? नहीं, साफ़ होती थी, मेरी भी होती है। तो मतलब फेस के लिए, पूरी बॉडी के लिए तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ फेस के लिए मैं करती हूँ। और स्किन मेरी अभी भी, जैसे आपको पता ही है कि 30+ एज मेरी है, बट स्किन मेरी अच्छी है। हालांकि कैमरा में कई बारी चीजें अच्छी तरह से नहीं आती है, कुछ एक कैमरा तो बहुत अच्छे होते हैं उनमें अच्छी चीज भी, पूरी चीज भी अच्छी आ जाती है, बट मेरे पास इतने भाई, मैंने महंगी चीजें कोई अभी तक ली नहीं है। तो जैसे आपको डार्क सर्कल मेरे दिख ही जाते हैं, तो डार्क सर्कल इसलिए मुझे होते हैं, आप पूछते हो कि हटते नहीं है, हटते हैं जब मुझे कभी मैं इनकी तरफ केयर करती हूँ और ध्यान देती हूँ। पर ध्यान देने केयर करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। तो प्रॉपर नींद जब हम लेते हैं तो ही फिर ये जड़ से ख़त्म होते हैं, तो वो चीज़ मुझसे पॉसिबल हो नहीं पाती क्योंकि एडिटिंग भी करनी होती है। आपको पता ही है कि यूट्यूबर हूँ, दो दो चैनल्स पर काम करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो नहीं हो पाता है, और इसलिए मतलब ये आपको साफ दिख जाते हैं, बट स्किन मेरी आपको अच्छी नज़र आती है। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको आज वही सिंपल सा मेरी अम्मा वाला नुस्खा बताती हूँ कि क्या करना है। वैसी वाली मुल्तानी मिट्टी तो नहीं है मेरे पास भी, बट हाँ इस तरह की मुल्तानी मिट्टी है। तो क्या करना है जी, मैंने इस मुल्तानी मिट्टी से एक चम्मच ले लिया, एक फेस के लिए एक चम्मच काफ़ी रहेगा। और ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत कुछ अब ऐड करने वाली हूँ, जैसे वो लोग करते थे उस टाइम पे वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। तो देखिए इसमें और मुझे क्या ऐड करना है, शहद ऐड करना है। शहद इसलिए क्योंकि हमारी स्किन, उनकी स्किन तो क्योंकि उनको हैबिट थी, वही चीज़ें वो रेगुलर यूज़ करते थे, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा करके नहीं है, आगे भी वो केयर करते थे। जैसे स्किन पे मैक्सिमम टाइम मॉइस्चराइजेशन के लिए ऑयल ही इस्तेमाल करते थे, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते थे, बादाम रोगन इस्तेमाल करते थे, मतलब इस तरह की, इवन देसी घी जब बना रहे होते तो ऐसे हाथ पे भी लगा दिया, थोड़ा बाजू पे भी और मुँह पे भी, तो वो सारी चीज़ें वो यूज़ करते थे। तो ये देखिए फिर जी मैं इधर आपको मतलब फेस पैक बता रही हूँ कि अगर आप इस मॉडर्न ज़माने में भी इस तरह से अपनी स्किन की केयर करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है आज तो नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन हाँ जब आप रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और एक टाइम पे फिर आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें यूज़ करना नहीं छोड़नी है, छोड़ दोगे तो वही चीज़ फिर से दोबारा, क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा है ना एनवायरमेंट में। तो बस ये एक आधी जैसी चम्मच मैंने शहद इसमें ऐड किया मॉइस्चराइजेशन के लिए, और शहद हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम को भी ट्रीट करेगा। एंड नेक्स्ट मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, किसी भी तरह की स्किन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। मैं ये वर्जन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, तो इसकी भी मैंने मतलब 1/4 टीस्पून के जितना कर मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। कोकोनट ऑयल जब हम मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करते हैं ना, तो मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को थोड़ा ड्राई कर देती है, तो ये कोकोनट ऑयल ऐड करने की वजह से ये चीज़ नहीं होगी। और फिर इसमें आपको ऐड कर लेना है दूध या दही, जो भी आपके पास अवेलेबल है। देखिए जो भी चीज़ अवेलेबल है, जो भी चीज़ आपकी स्किन को ज़्यादा सूट करती है वो आप ले लेंगे, और इसकी हेल्प से इसका एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और बहुत तामझाम कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप बहुत सिंपली कर सकते हो। अगर आपसे पॉसिबल होता है तो आप पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं, अगर हाथों पैरों पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है गर्दन पे तो उस वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप फेस पे बस इस तरह से लेना आपने, और इस तरह से अच्छी तरह से इसको मसाज करते हो, टाइम नहीं है ना तो आप बस इस तरह से मसाज करते हुए ही अपना फेस वॉश कर लीजिएगा। टाइम है और आप फेस पैक की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से एक लेप लगा लीजिएगा, सूखने दीजिएगा, और जब ये सूख जाएगा तब फिर एक छींटा मार के पानी का, तब आप इसको इस तरह से मतलब उतारिएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल उपाय है, बहुत ही बेस्ट उपाय है, आप यूज़ करके देखना। ये मुल्तानी मिट्टी जो है ना, आपकी कितनी भी टैनिंग हो रखी है, कितनी भी आपकी रंगत खराब हो चुकी है, इसको रिपेयर करेगी, आपकी स्किन को फेयर करेगी, ये
क्योंकि हमारी स्किन पे ना पॉल्यूशन, धूल मिट्टी की वजह से एक परत जम गई है, जो हमारी एक्चुअल स्किन टोन है वही, वो भी कहीं ना कहीं छुप सी गई है। तो उसको लिए मतलब जो आप भाई देखिए, कलर जो जिस कलर के साथ आप पैदा हुए हो ना, तो वही कलर आपके स्किन पे मतलब उससे भी हम डार्कर हो जाते हैं, तो वही आना है। बाकी ऐसा सोचोगे कि बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन टोन मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, आप बिल्कुल एकदम गोरे हो जाओगे, तो वो चीज़ तो नहीं होती है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ अपनी वीडियो में। तो इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसे रख लेती हूँ और फिर आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। तो फेस वॉश मैंने कर लिया एंड रिजल्ट बहुत कमाल के आएंगे जब आप खुद से यूज़ करोगे, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, इसलिए मेरी स्किन पे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। बाकी कोकोनट ऑयल यूज़ करने की वजह से हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज भी हो जाती है इसी से ही। बाकी क्योंकि आज का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है और बहुत सारे चेंजेस जो है ना नेचर में हमें देखने को मिल गए हैं, जैसे बरसात अब ज़्यादा होती है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, सर्दियाँ, तो हर एक चीज़। तो इसलिए आप जब भी धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाए बिना मत जाइए, नहीं तो हमें फिर वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। बाकी आज के लिए वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।